तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे किले के बारे में जो मराठा साम्राज्य के दो महान बादशाह शिवाजी और संभाजी महाराज दोनों नहीं जीत पाए। इंडिया के वन ऑफ द अनकॉन्कर्ड फोर्ट अरेबियन सी में स्थित मुरुद जंजीरा फोर्ट। तो फ्रेंड्स, इस किले को अहमदनगर के सुल्तान के नौसेना अध्यक्ष राजा रामराव पाटिल ने 16वीं सदी में बनाया। ये किला बनने के बाद उसने सुल्तान को धोखा दे दिया, तो सुल्तान ने एक नया अध्यक्ष इसके बजाय पीरम खान को घोषित किया। अब पीरम खान इस किले को साधारण तरीके से जीत नहीं पाता, क्योंकि ये किले की 40 फीट ऊंची दीवारें को पार पाना नामुमकिन था। तो पीरम खान ने एक तरकीब लगा, वो व्यापारी बन के पाटिल के पास गया। पाटिल ने उसको एक रात रहने की इजाजत दे दी। उस रात जश्न हुआ, फिर सब जब उस रात जब सब नशे की धुत में थे, तब पीरम खान ने हमला बोल दिया। भारतवर्ष का सबसे मजबूत दरियाई किला, जो 350 साल से दरिया के मौज और कई हमले झेलने के बावजूद भी वैसे के वैसा ही है। जंजीरा किले के बनावट की इस खासियत के कारण सारे दुश्मन चकमा खा जाते थे, क्योंकि आप जब तक उस किले के 40 फीट तक करीब नहीं आएंगे, आप उस किले का दरवाजा ही नहीं देख पाएंगे। चारों तरफ से खारे पानी से घिरे होने के बावजूद भी आज हमको वहां पे 2 मीठे पानी के तालाब मिलते हैं। तो सही सुना आप लोगों ने, इस किले की रक्षा करने के लिए 572 तोपों का होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक तोप के बारे में आपको क्या ही बताऊं, उस तोप का वजन 22 टन है और वो भारत का 3रा सबसे बड़ा तोप है, और उस तोप का नाम है काला मंगरी। सबसे बड़ी बात इस किले की है वो इसको ना जीत पाना। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने बहुत कोशिशें की मगर असफल रहे। संभाजी महाराज ने तो इस किले को जीतने के लिए इसके बाजू में एक और किला बनाया जिसका नाम पद्मा दुर्ग है, मगर अफसोस ये किले को वो नहीं जीत पाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एडियो एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल एडियो एंटरटेनमेंट। अरे बड़ा बता बता। 1 2 3 टेपन। सो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे किले के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम ऐसे किले के बारे में मजा आओ। थैंक फॉर फॉलोइंग।